नाजरीन की खिदमत में साजिद मिर्ज़ा का आदाब। नाजरीन, आइए जानते हैं जलगांव ज़िले की ख़ास खबरों की चंद ख़ास सुर्खियां, साथ ही जानेंगे रियासत की और कौमी खबरों की कुछ ख़ास सुर्खियां। भुसावल में नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के जुर्म में एक मुस्लिम टीचर को भुसावल अदलिया ने 5 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। जलगांव ज़िला के धानोरा में चोर एटीएम मशीन लेकर फरार। कयास किया जा रहा है कि चोर मशीन तोड़ने में नाकाम रहे, इसलिए वो मशीन लेकर फरार हो गए। जामनेर तहसील के लोनी गांव में गैरकानूनी तजावेजात हटाने के लिए तैनात किए गए पुलिस अफसर और उसके दस्ते पर हमला किया गया। इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जलगांव ज़िला बैंक इंतखाबात में बीजेपी को झटका लगा है। इस इंतखाब में उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने वाली रुकन पार्लियामेंट रक्षा खड़से और विधान परिषद में एमएलए स्मिता वाघ की परिचय नामजदगी नामंजूर कर दी गई है। रियासत गुजरात के कस्बे मोरा में 70 साल खातून जीवनबेन राबरी के यहाँ मसनूई हमलकारी के जरिए पीर के रोज़ बच्चे की पैदाइश हुई, जिसने डॉक्टरों को हैरान कर दिया। मस्कुरा खातून की 25 बरस की उम्र में शादी हुई थी, जिसके बाद 45 बरस से वो माँ बनने का ख्वाब देख रही थी। एक प्राइवेट स्कूल टीचर ने मुबैना तौर पर अपनी क्लास में 7वीं के एक तालिब इल्म को इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उसकी मौत हो गई। मौसूल इतला के मुताबिक ये वाक़या राजस्थान के ज़िला चोरू के मौजा कोलासा में पेश आया। रियासती वज़ीर तालीम गोविंद सिंह ने इस वाक़े की मजम्मत की है और पुलिस से मुलजिम टीचर को पकड़ने की तहकीकात शुरू की गई है। खामगांव शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद आरिफ पहलवान ने अपने ओहदे का इस्तीफ़ा मजलिस के रियासती आला कमान को रवाना कर दिया है। इस इस्तीफे के बाद मजलिस के चाहने वालों में गम का माहौल है, जबकि दीगर सियासी पार्टियों में खुशियां मनाई जा रही है। एनसीपी लीडर और वजीर हाउसिंग जितेंद्र आहाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि वोटर लिस्टों से मुसलमानों और दलितों के नाम जानबूझकर निकाले जा रहे हैं। जितेंद्र आहाल के इस इल्ज़ाम से हलचल मच गई है। वहीं जितेंद्र अहवार ने कहा है कि वोटर लिस्टों के आधार कार्ड से जोड़ने का मुतालबा करेंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जलगांव ज़िला मन्यार बरादरी की जानिब से जलगांव ज़िला पत्रकार भवन में उर्दू सहाफ़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया और उनकी खिदमात की तारीफ़ की गई और उन्हें सराहा गया। आइए देखते हैं एक खसूसी रिपोर्ट। भी मुफ्ती साहब का सत्कार कबूल किया है नुमाइंदे के तौर पे, वो खुद भी जो है वायरल न्यूज़ के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल रहीम पोर्टल एंड वायरल न्यूज़, हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब हैं। जी सलाम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं आसिफ शेख, और आखिर में एक नाम है जयान सर, जयान अहमद शेख सर, फैंस के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, इनका भी सत्कार किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद होंगे, मैं लोगों को पहले ही ऐलान कर रहा हूँ जल्दी से आ जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। सईद पटेल साहब जो उर्दू टाइम्स डेली में अपनी सहाफत का की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, इनका भी सत्कार किया जाए। मुश्ताक करीमी साहब जो ये अभी यहाँ पर मीठा करीला चैनल के जिम्मेदार हैं, मुश्ताक करीमी साहब। साजिद मिर्ज़ा मुंबई उर्दू न्यूज़, साजिद मिर्ज़ा मौजूद है जी नहीं। सलाउद्दीन अदीब एशियन एक्सप्रेस के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शर्जील कुरैशी मौजूद हैं। कामिल शेख एशिया एक्सप्रेस,
सैयद जुल्फिकार सर एशिया एक्सप्रेस के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कामिल शेख साहब। एजाज खान साहब जिनका भी कैमरा यहाँ लगा हुआ है उनका भी सत्कार किया जाएगा। एजाज खान साहब किसी को दे दो भी कैमरा और उनका 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 स्त्री ले लो भाई। एजाज खान साहब को भी सत्कार किया जाएगा। IIN न्यूज चैनल चलाते हैं रिजवान फनाई जिन्होंने भी मुफ्ती साहब का सत्कार कबूल किया है नुमाइंदे के तौर पे, वो खुद भी जो है वायरल न्यूज के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रिजवान फनाई भाई